असल नाजरीन गुड साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मैं ज़ुबैर शारिक, कैसे हैं जी आप सब लोग कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के आज का दिन कैसा गुजर रहा है आप सब लोगों का क्या क्या एक्टिविटीज हैं आप सब लोगों की और जुबैर आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा गुजरा है मैं बिल्कुल ठीक ठाक ताहिरा थैंक बड़ा बेहतरीन अभी शुरू हुआ है और बहुत सारी चीजें सुनने को समझने को सीखने को मिली हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हकीकत का पता लगता है आपको पता लगता है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड के हैं किस मैंटेलिटी के हैं तो ये जिंदगी के एक्सपीरियंसिस हैं उनसे सीखना चाहिए और रोजाना के बुनियाद पे आप कोई ना कोई अच्छी चीज सीखते हैं कुछ बुरी चीजें सीखते हैं दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि आपको आसानियाँ मिले जितना आप कोशिश करेंगे कि दूसरों के लिए आसानियाँ आसानियाँ आसान आसान रस्ते दें दूसरों को दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह ताला भी आपके लिए ऐसे वसाइल ऐसे 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 तरीके से आपकी मदद करेगा ऐसे आपको आसानी देगा आप खुद हैरान रह जाएंगे जो आप काम करते हैं वो रिएक्शन आपको उसी का वापस मिलता है तो अच्छे काम करें ताकि आपके साथ भी अच्छा हो तभी हम अच्छी होप भी रख सकते हैं जब हम खुद अच्छा करते हैं जब हम ख़ुद बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरा ही करता है इसी बात पर चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ आज के अखबार से तो पहली खबर हमारे पास बड़ी ही जबरदस्त न्यूज़ है हमारे हमारा जो सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्पेशली स्पेशवातिन के हक़ में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पाकिस्तान का अपनी तरह का पहला वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन उसका इफ्तः किया गया था पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में और उसकी उसका उसकी मकबूलीत का जो मेरी आवाज़ मरीम नवाज़ का मक की जो मकबूलीत है जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का नाम है मेरी आवाज़ मरीम नवाज़ इसकी मकबूलीत का सिलसिला जारी है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है जबैर दस रोज़ में बत्तीसों केसेज़ माशा यहाँ पर जो आए और उसमें मदद भी दी गई केसेज़ तो आते थे पहले भी लेकिन इतनी मदद फराम नहीं की जा पाती थी तो वो भी अब उसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है ये होता है कि खातियाँ सिर्फ़ एक कॉल करती हैं और उस कॉल पे उसकी एफआईआर से लेके तमाम उसके इन्वेस्टिगेशन का जो सारा प्रोसेस होता है उसमें हमारी वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो हैं जो हमारी हमारे यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं वो ख़ातून के साथ जुटी रहती हैं जुड़ी रहती हैं कांटेक्ट में रहती हैं जब तक कि उसका मसला हल नहीं हो जाता तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने तीन सौ तीस केसेज़ में एफ़ आई आर दर्ज करवाई और उसी के साथ साथ सात सौ पचास केसिस में तफ्तीश इस हवाले से जारी है तो खातन वन फाइव कॉल इसी के साथ वुमेन सेफ्टी ऐप की वीडियो कॉल फीचर ऑडियो कॉल के थ्रू चैट के थ्रू यानी कि आप वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू भी हमसे राबता कर सकते हैं आप पंजाब पुलिस ऐप के थ्रू भी हमसे रबता कर सकते हैं इसी के अलावा अगर आपको कोई ऐप आप आप आपके पास इंस्टॉल नहीं है घबराने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ वन फाइव पर कॉल करें टू प्रेस करें आपकी कॉल वर्शुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉनक्ट हो जाएगी और आपका मसला बस आपने अपना मसला हमें बताना है उसके बाद उसका मसला हल करवाना है हमारी जिम्मेदारी है आपको पुलिस स्टेशन के ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन बहुत थोड़े टाइम में आपके मसले को हल कराया जाएगा लेकिन सिर्फ अपनी अपने लिए कोशिश आपने खुद करनी है अपने खिलाफ जो भी आप पे जुल्म और औरत के साथ होती है उसको आपने बर्दाश्त नहीं करना उस पर आपने आवाज़ उठानी अपने लिए आवाज़ उठानी है हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं अगली खबर क्या जबैर आपके पास अगली खबर हमारे पास पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से ही मौजूद है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर में फ्री वाई फाई सर्विस के जो पचास मकाम थे उसको बढ़ा के सौ मकाम पर फ्री वाई फाई सर्विस एक्टिव कर दी है याद रहे कि इस वाई फाई की जो है डिस्टेंस है वो 300 हंड्रेड फीट का है 300 सौ फीट तक आप इस को एक जिस पे लगा है इस्तेमाल कर सकेंगे ओपन वाई फाई होगा इस पर पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एमरजेंसी पर्पज के लिए है यूट्यूब स्ट्रीमिंग टिकटॉक स्ट्रीमिंग और उसके साथ फेसबुक स्ट्रीमिंग या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग के लिए ये वाई वाईफाई सर्विस अवेलेबल नहीं होगी और हैं और इसका जो नाम बता सकता हूं मैं आपको कि ये फ्री वजीर अला मरीम नवाज वाईफाई सर्विस इसका नाम दिया गया है और जिस तरह मेरी कॉलीग ने कहा तायरा ने कहा

खत्म हो जा बैलेंस खत्म हुआ होता है आपका डाटा खत्म हुआ होता है तो उस इस आपके मसले को हल करने के लिए पहले पचास मकामा तक उसको बढ़ा के सौ कर दिया और विद द पैसेज ऑफ टाइम और दायरा का बढ़ाया जाएगा आपकी सहूलत हो सके आप हमसे कनेक्ट हो सके आपके मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके लेकिन गायरे इस्तेमाल आपने इसका नहीं करना आगे भी हम सेफ़ सीरीज़ अथॉरिटी की एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे आज मेरे पास सेफ़ सीट अथॉरिटी की बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं जैसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं सेफ सीरीज़ अथॉरिटी के ऑफ़िसर ने एक और आलमी रिकॉर्ड एजाज़ अपने नाम कर लिया और ये सीफसिटी के लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे होने हार ऑफिसर्स इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं फील्ड्स में कि फिर उनका नाम उनको आलमी अदारे भी उसको रिकगननाइज़ कर रहे हैं तो अवहद की वर्ल्ड यूनियन ऑन आईटी ने डॉक्टर यासिर न्याज ख़ान को वर्ल्ड सबमिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज के लिए मंतख कर लिया है और डॉक्टर यासर न्याज पंजाब सेफसिटी अथॉरिटी में बतौर चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर अपने फ़राज सर अंजाम दे रहे हैं और दुनिया भर से एक डिफरेंट कामों की लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी जिसमें बड़े बड़े उनके कारनामे थे और उसमें इनका नाम सिलेक्ट होना ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और इन्होंने ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो एआई के एक्सपर्ट हैं एआई के थ्रू उन्होंने ज़रात के शोबे में एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया और इसमें असलाहत के लिए काम किया जिसकी बुन बुनियाद पर इनको सिलेक्ट किया गया और इनको मई के आखिर में अवार्ड भी दिया जाएगा तो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी पूरी हमारी टीम की जानब से हमारे तमाम अदारे पूरे अदारे की जानब से सर को बहुत हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और इसी तरह से हम अपने अदारे के लिए दुआ गो हैं और हमारी ये उम्मीद है कि अच्छे अच्छे काम होते रहे ताकि दुनिया भी उस चीज़ का दुनिया भी तभी एक चीज़ को रिकगनाइज़ करती है उसका अतराफ़ करती है एजाज़ देती है जब आपको अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम जब हों तो फिर उनका अतराफ़ भी होना चाहिए अगली खबर क्या जबहर आपके पास अगली खबर हमारे पास ये है कि थोड़ी अफसोसनाक खबर है कि माए अप्रैल के दौरान पंजाब भर से इकतालीस हज़ार तीन सौ इकतीस ट्रैफिक हादसा जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं हम अपने प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आप कानून की पासदारी करें कानून आपके लिए बनाए गए हैं आप जितना कानून की पासदारी करेंगे जितना रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे उतना ही आप लोगों की, जानों माल की जान की हिफाजत रहेगी जान की हिफाजत ज़्यादा रहेगी जान है तो जहान है तो हादसा की जद में अगर तीन आ, तीन सौ सत्ताईस अफराद बाक हो गए और पैंतालीस हजार नौ सौ सत्रह अफराद जख्मी हुए हैं तो हम अपने प्लेटफॉर्म से यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट करते भी रहेंगे आगे आने वाले वक्त में इन फ्यूचर में कि कानून को वॉयलेट ना करें अगर आप रेड सिग्नल देखते हैं तो रेड सिग्नल पर रुक जाएँ और ताकि दूसरों को मौका मिले अगर सिर्फ सिग्नल वायलेशन को हम कंट्रोल कर लें और सिग्नल ना तोड़ें तो इससे भी हादसा में खा, खातर खवा कमी आ सकती है और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जान है तो जहान है ये कानून आपकी बेहतरी के लिए ही बनाए जाते हैं तो हमारी अगली खबर क्या है आखिर में जैसा अपने अपने सेगमेंट कैंट पे हम हमेशा जिक्र करते हैं ग़ज़ा के हवाले से अपने फ़लस्ती भाइयों के साथ हैं उनका हम साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तो कल गुज्तर चौबीस घंटे में मज़द पाँच फ़लस्तनी शहीद हो गए दिन ब दिन नंबर बढ़ता जा रहा है और अब सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया है इतहाई अफसोसनाक सारी ख़बरें जिसको देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है आपको और इस पर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि दर्जनों इसराइली फ़ौजियों ने रिफा पर हमले से इनकार कर दिया है इंसानियत कहीं ना कहीं अंदर आपके एहसास हुआ उनको भी कि हम गलत कर रहे हैं तो उन्होंने अब ये इस चीज़ को से मना किया है कि हम अब मज़दीद हमला नहीं करेंगे रफा पर और इसी के साथ साथ दुनिया भर में इसराइल बरबेत के ख़िलाफ़ जो इसराइली बरबेत के खिलाफ मुजाहरे जा रहे हैं जारी हैं मुल्क भर में लोग इस इस हवाले से मुजाहरे कर रहे हैं तो तमाम जो इंसाफ के इदारे हैं उनसे वही दरख्वास्त खुदा खुदा का वास्ता है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकालिए इन मासूमों की जो जानें जा रही हैं जिनकी कोई किसी को एहसास नहीं है इसका एहसास कीजिए आप कुछ कर सकते हैं अगर अल्लाह अच्छा ने आपके आपको इतनी अथॉरिटी दी है तो उसका सही इस्तेमाल करना भी आपका हक़ हाँ बनता है इसी बात पर देखिए छोटी सी ब्रेक आपने रहना हमारे साथ श्रेविदास वेलकम बैक नाजरीन गुड मॉर्निंग से एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारा अब बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट जो कि हम दुनिया भर से बहुत मेहनत करके बहुत सर्च करके आपके लिए तरह तरह की खबरें लाते हैं दिलचस्प अजीब खबरें लाते हैं तो उस सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं तो ताहरा आज हमारी पहली खबर क्या है प्लीज़ आप शेयर करें हमारी पहली खबर है जी हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है आप आप बहुत से लोग आपको अक्सर ये मतलब बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके जिसके जवाब में लोग कह देते हैं कि जी वेटिकन सिटी वो सिटी है या वो मुल्क है जो सबसे छोटा है और लेकिन अब इसका जवाब बदल चुका है अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है तो आपने क्या जवाब देना है जिसका इसका जवाब है सी लैंड ये ख़ुद साख्ता मुल्क जिसका नाम सी लैंड है ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और दोपहर आप यस करें कि इस मुल्क में कितने लोग रहते होंगे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और सी लैंड है इस मुल्क में से मुल्क? और बहरी जहाज से भी छोटा है ये दूसरी अजीम के बाद एक प्लेटफॉर्म पर वाकिया है और जीरो शायर जीरो जीरो फोर किलोमीटर इसका टोटल इसका रकबा है और टोटल पाँच लोग हैं अच्छा अगर हम सोचें कि ऐसा मुल्क जिसमें पांच लोग रहते हो तो वहां जाना तो बहुत आसान है तो आप भी यही समझते होंगे कि वहाँ पर जाना बहुत आसान है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है वहाँ जाने के लिए भी आपके पासपोर्ट पर सी लैंड का वीज़ा होना ज़रूरी है इसके बगैर आप सी लैंड का विजिट नहीं कर सकते हैं है ना इंटरेस्टिंग बात आपके पास पासपोर्ट पर सी लैंड का अगर वीज़ा होगा तभी आप सी लैंड जा सकते हैं और ऐसे दिलचस्प और अजीब व गरीब जगह पर जाके आप हो सकता है आपको भी कुछ अजीब वरीब किस्म के इंकशाफात हों और हो सकता है आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए हो सकता है कोई आपका इंतज़ार कर रहा है उन पाँच लोगों में कोई एक ऐसा बंदा या बंदी भी हो जो आपके इंतज़ार में हो तो अगर आप ज़िंदगी में एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त एडवेंचर होगा ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी जेब इजाजत दे दोपहर से पूछते हैं कौन सी ख़बर आपके लिए ढूंढ के लाएँ हमारे पास दूसरी खबर ये है की तहरा मुझे आप बताएं बताए बारिश तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है बहुत दफा आपने देखी भी होती रहती है आजकल तो अक्सर होती, होती, है आजकल मौसम की नोयत के मुताबिक मौसम के मुताबिक बारिश तो होती रहती होगी और आपने झाला भी देखी होगी यालाबारी हाँ यालाबारी भी देखी होगी आपने जो बारी होती है उसमें बर्फ गिरती है तो क्या आपने कोई ऐसी बारिश देखी हो कभी जिंदगी के अंदर जिसमें बारिश के बजाय आसमान से मछलियाँ गिरें अच्छा वैसे बचपन में हम इस तरह की किससे कहानिया स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते थे उसमें ऐसा होता था कि बारिश की बजाय कहीं मछलियाँ गिर गई बट मेरा ख्याल है कि शायद हकीकत में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हो हकीकत में ऐसा पॉसिबल हो या चुका है कि मगरबी ईरान के शहर या सूज में गुजशत रोज एक अजीब वाकया पेश आया है जहाँ आसमान से मछलियाँ गिराई गई हैं और तो साइंसदानों ने इसे मछलियों की बारिश का नाम दिया अच्छा ये फिर वो ये हुआ होगा कि कुछ तूफान आया होगा जिसमें वो समंदर या दरिया से मछलियां निकाल के उस एरिया में गिरी होंगी समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा पॉसिबल होगा समथिंग लाइक दैट इस तरह से पॉसिबल हुआ, से हुआ क्या हुआ है लेकिन उसको बकायदा ईरानी शहरियों ने यूट्यूब क्लिप पे अच्छा। इसको फिल्माया देखा जा सकता बड़ा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा कि आसमान से मछलियां गिर रही हैं आसमान से पकड़ो पकाओ और खा जो पकड़ो और खा बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है बहुत इंटरेस्टिंग खबर थी जो हम अपने नाजरीन के लिए लेके लाए और ये वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ फिर तवज्जो का बाइस बना बहुत सारे लोगों ने तवज्जो इस क्लिप को हासिल हुई और अब इसके व्यूज भी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं लोग देखने के लिए बहुत ज्यादा इश्तियाक रखते हैं तजस्सुस है उनमें कि ऐसी बारिश देखे जहाँ से आसमान में मछलियां गए इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा और अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का उसके बाद चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ स्टे विद अस वेलकम बैक नाजरीन गुड मॉर्निंग सर्वरी में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुजरते वक्त के साथ साथ माशरे में बहुत से बदलाव आ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे का अलमिया है जिसमें सबसे बड़ा अलमिया और मेरा ख्याल से जिसको शायद नोटिस भी इतना नहीं किया जाता वो कम उम्र की शादी है कि छोटी बच्चियों की शादियाँ करवा देते हैं वालदे चौदह साल की उम्र होती है तेरह साल की उम्र होती है उनकी तो बारह साल की उम्र में भी गाँव में देहातों में लोग शादियाँ करवा देते हैं या इस तरह की मैंटेलिटी रखने वाले जिनका ताल्लुक गाँव देहात से हो या शहर के अंदर भी ऐसी मैंटेलिटी रखने वाले लोग हर जगह पर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं तो वो कम उम्र में बच्चियों शादी करवा देते हैं कुछ अपने बच्चों को पैसों की लालच में भी शादियां करवा देते हैं, हैं, देते देते हैं।, हैं। दे, रईस दे। तो को अपने मदू किया है और इस, हम जानेंगे कानून की नजर में क्या सजाएं हैं और ये किस हद तक चीज दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है तो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डी एस पी जुल्फार अली खान साहब को

सर जिस तरह से टॉपिक के हमने अपने सेगमेंट के स्टार्ट में बात की कि आज हमारा स्पेशल टॉपिक ही ये है कि हम बात करें कम उम्र की शादी के हवाले से तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी लड़का या लड़की की शादी की एक एज है क्या कि ये एज है जी इससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए उम्र क्या है देखें जो कानून है ना वो ये कहता है कि सोलह साल की उम्र की बच्ची हो और अठारह साल की उम्र का बच्चा हो ठीक है तो उसकी शादी जो है वो कानूनी नुकतः नगाह से की जा सकती है सही तो बाकी शराय लिहाज से तो उसके पैरामीटर्स और, है। और हैं और हैं बिल्कुल तो उसके बाद अगर ये कोई ऐसी इसकी वायलेशन करता है तो एक तो जो वायलेशन करने वाला है उसके खिलाफ एक्शन होगा फिर उसके अलावा जो उसकी निगरानी कर रहे है, जो हैं सरपरस्त बच्चे हैं बच्चे गार्डियन हैं या फादर है या जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं है। वो उसके ऊपर उसके होंगे और उसके अलावा जो निकाँह खां हैं उसको भी उसके लिए जो है वो सजा उसमें रखी गई है और फिर जो निकाह इवन जो रजिस्ट्रार जिसके पास ये रजिस्टर होगा ठीक है उसके ऊपर भी ये कदगल लगाई गई है कि वो भी उतना ही इन्वॉल्व होगा जितना के गार्डियन है तो इसकी जो सजा है वो छह माह कह दें और फिफ्टी थाउजेंड आने वाला था अपना यही इसलिए तो सर सरप्रस्त के लिए सजा क्या है उसमें देखें एक तो जो जिसकी शादी हो रही है उसके लिए भी सजा है फिर आगे जिनकी शादियाँ हैं मसन जो सरप्रस्त करवा रहा है उसके लिए छः माह और पचास हजार रुपये जुर्बाना और फिर आगे जो उसके फिर यानी कि एक प्रोसेस है ना निकाह खां है एक जो निकाह करवाते हैं यानी कि अब ज़रूरी नहीं कि किताबी निकाह हो उसके लिए सिर्फ़ शरयी निकाह भी जो है वो अगर करवा रहा है तो उसके ऊपर भी जो है ना वो ये कानून चूँकि लागू होगा माह छोटे सर ये है। अभी आपने जिक्र किया कि अगर उम्र पूरी नहीं लड़के की अठारह साल और लड़की की सोलह साल अभी आपने बताया तो सोलह साल की उम्र में तो सी एन आई सी बनता शनाख्ती कार्ड नहीं बनता बच्ची सी एन आई सी अठारह साल की ये अभी रिसेंटली उन्होंने जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो इनिशिएट कर रहे हैं इसके लिए कि ये दोनों की 18 साल जो है ना वो उस पर हो जाए लेकिन ये अंडर प्रोसेस है, है अभी वो उस पर हुआ नहीं है लेकिन 16 साल में भी आजकल बच्चियाँ जैसे अदरवाइज जो है ना वो उनकी एडल्ट हो जाती हैं तो वो ज़ाहिर है उन्होंने उनके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और शर्य लिहाज को भी मद्देनजर रखते हुए तो ये एक जो उम्र जो है वो उसको जरा सोच विचार के साथ सर डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए तो फिर लड़के का तो सी एन आई सी आ जाता है एटीन ईयर्स में सी एन आई सी बन जाता है तो बच्ची का फिर बर्थ बच, सर्टिफिकेट साथ अटैच किया जाता है ये कन्फर्म करने के लिए कि आया कि वाकई सोलह साल की हो सकता है हम आप झूठ बोल रहे हो कि बड़ी बर्ची एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है फिर सेकेंडली अगर उसको फर्दर प्रोसेस करें तो आपका बोन टेस्ट भी हो जाता है

उसका हो जाना फिर उसके अलावा जो है वो आने वाली जो नस्ल है उसके ऊपर इसके असरा पड़ते हैं तालीम नहीं बच्चे की पूरी यानी कि एक तो वो खुद उनके ऊपर बीमारियों के असरात हैं फिर आगे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अगर एक एडल्ट नहीं है प्रॉपर तो उससे आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर है उसमें कई उसमें मेडिकली अनफिट रह जाएंगे खुदा ना खास्ता किसी अपाह जो हो जाएंगे कुछ कोई दूसरे उस बीमारियाँ हो सकते वो डॉक्टर बेहतर बता सकता है आपको तो इसके अलावा जो है माशरे के अंदर जो असराहत हैं उसके फिर ये इसका जो रुझान है वो आप अब देखें ना एक एडल्ट नहीं है और वो कबल अस वक्त उससे उससे शादी कर ली तो फिर आगे जो आने वाली नस्ल है वो भी फिर इसी तरह उसकी जो टाइम मतलब कम होता है ये पूरी एक चेन है, है। तो लिहाजा जो ये एक पूरा एक देखें प्रोसेस है एक बच्चा जब स्कूल जाता है फिर कॉलेज जाता है फिर उसके बरसरे रोजगार होता है फिर उसके बाद उसके वालदे जो है उसकी शादी के बारे में सोचते हैं तो उस वक्त तो अमूमन शादी की उम्र जो है ना पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक वो जो है ना वो बन जाती है जिसके ऊपर ओके और फिर आप देखें कि आने वाले वक्तों में जब वो मतलब रिटायर होता है तो रिटायर होने से पहले जो है उसके बच्चे जो है वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके होते हैं या अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो ये देखिए साठ साल जैसे हमारी एवरेज लाइफ जो है वो तकरीबन तो साठ से नियर अबाउट है तो फिर उसमें जो है वो अपना उसकी बच्चे भी जवान हो जाते हैं वो भी शादियों के काबिल हो जाते हैं तो वो एक ऐज जो है ना वो एक, वैसे भी एक है, है।, है। और ये जो छोटी उम्र की जो एज है वो मैं नहीं समझता कि उसको वो को उसके फ्रूटफुल रिजल्ट है जहाँ पे, पे, पे लोग किसी जेर असर लोग रह रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत गुरबत है जहाँ पे वो इनके वो ये समझते हैं कि शायद इनके हम अखराज आगे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे फिर आगे ये होता है कि उनको ऐसी फैसिलिटेट वो कर रहे हो आगे शादी करने वाले भी कि अच्छा जी आप किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है हम जहेज़ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे तो आप ऐसी शादी कर दें तो ये सारी वो कबातें हैं जो कि मुशी कबातें हैं जिनके जेर असर जो है ये सारे वाक़त रोनुमा होते हैं अच्छा सर यूनियन काउंसिल में रजिस्टर जमाना कितना जरूरी है इसका इस हवाले से बताएं कानून इस से क्या कहता है कि शादी जो भी हो उसका देखिए यूनियन काउंसिल एक एक जहाँ के अंदर आबादी के सारे जो है ना वो रेलवेंट चीज़े जमा होती हैं और फिर उन्ही गोशुवारा जहाँ से आगे फरतर जो है वो मरदमशुमारी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है तो बेसिकली जहाँ आप रहते हैं जहाँ पे आपने अपना बर्थ का सर्टिफिकेट जमा करवाया सेम इसी तरह जिम्मेदारी है कि जहाँ पे वो दुल्हन रहती है वो करवा ले अपने उस इलाके में जहाँ से उसका निकाह हुआ है तो उसकी जो यूनियन काउंसिल है उसके अंदर जो है उसका निकाह का इंदराज किया जाना बड़ा ज़रूरी है फिर उससे ये होता है क्योंकि आजकल ये कंप्यूटराइज इंटरलिंक्ड है अब आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो निकाह का सर्टिफिकेट है वो भी कंप्यूटराइज जनरेट होता है तो फिर वो लिंक्ट हो जाता है नादरा के साथ तो वो उसमें जो डाटा वो सारा उधर भी जो है वो कम्प्लीट हो रहा होता है तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट सर कम उम्र में लोग शादियां करवा रहे होते हैं तो जाहिर है वो फिर रजिस्टर नहीं भी कराते तो ये अलग से भी क्राइम हो गया कि आप रजिस्टर ही करवा नहीं सकते करवाएंगे तो वो तो पकड़ा ये ये है कि तो पकड़ा जाएगा क्योंकि बच्चा अंडर एज है ऐसे ही है और फिर वो अगर खुदा आगे उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों की जब वो देखेंगे तो माँ की उम्र कितनी है और बच्चे की उम्र कितनी है तो वो फिर जो है वो आपस में को रिलेट नहीं करेगी सर हमारे हमारे पास ऐसी घर में एक खातून आई कुछ काम के सिलसिले में कुछ रोजगार के सिलसिले में तो उसकी एनआईसी अपना दिखा रही है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्ची की उम्र और माँ की उम्र देख

फादर का तो नाम होता इस ही होता दौर है दौर में भी अगर इस कदर जहालत हो तो सर मेरा ख्याल है सोशल मीडिया का दौर है हाँ। तो इस पे एजुकेट करना चाहिए बहुत ज्यादा बहुत अब देखिए हम जो बेसिक नीड्स हैं रजिस्ट्रेशन के मुतालिक और जो हमारी लोकल जिससे हम बाद में हमने इन्हीं से बेनिफिट उठाना ना हमने जॉब भी इसी बुनियाद पर सी एन तो वहाँ पर भी जॉब रिक्वायरमेंट है अगर उसके बाद आप कहीं अपने एडमिशन फॉर्म देते हैं तो वहाँ पे भी सी की रिक्वायरमेंट या बे फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये सारे आपके उस प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे तो ये इस डॉक्यूमेंट को बड़ा गौर और फिक्र के साथ जो है ना वो बनाना चाहिए ऐसे गलत जो है ना बना लेने से आपकी सारी वो चेन जो है वो खराब रहेगी बस मेरा पैगाम तो यही है कि देखें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कवानी बनाए जाते हैं वो इस सोसाइटी के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं इसमें कतई ऐसा स्टेट का ये नहीं होता कि स्टेट स्टेट का बेनिफिट देखें स्टेट ने क़ानून बनाया और रियासत के जो लोग हैं अगर वो अमल करेंगे तो यहाँ पर अमन भी रहेगा तरक्की भी रहेगी खुशहाली भी होगी और सबका फायदा होगा लेकिन अगर वो अमल नहीं करेंगे तो फिर अनारकी भी होगी क्राइम भी होगा सब सब बेढंगी बे सी सिचुएशन मुल्क में अंदर होगी तो लिहाजा मेरा तो पैगाम यही है कि जो भी कवानीन आपके रिलेटेड हैं उनको पढ़ें भी सही और उनको समझें भी सही और उन पर ग़ौर भी किया करें और उस पे अमल भी किया करें थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच सर नाजी जैसा कि सर ने बताया कि कम उम्र की शादी किस कितने बड़े मसाइल क्रिएट करती है उस बच्चा बच्ची के लिए जिसको आप एक नई एक नई मेरा ख्याल प्रॉब्लम में डाल रहे हैं पेरेंट्स अपनी शायद अपनी आसानी के लिए कल को वो बच्चा बच्ची पढ़े लिखे नहीं होंगे फिर रोज़गार के हवाले से मौाक़ नहीं मिलेंगे तो वो जराम की तरफ भी बच्चे या बच्ची का रुझान जा सकता है शहर में भी मुल्क में भी जराइम बढ़ सकता है तो अपने बच्चों के लिए आप स्टैंड लें इस किस्म के बिल्कुल काम ना करें बच्चा जब तक बालिग ना हो 16 ईयर और 18 ईयर जैसे सर ने आपको एज बताई उससे कम उम्र की शादी ना करें बच्चों पर उतना बर्डन डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो यह था जी हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कल किसी नए प्रोग्राम के साथ कुछ अच्छी बातों के साथ दोबारा आपकी खबर में हाजिर होंगे जाने से पहले आपने हमें फॉलो कहाँ करना है ये तो हम आपको लास्ट लाजमी बताएंगे हमारा ट्विटर अकाउंट है पी एस सी सेव सिटीज़ और हमारा फेसबुक अकाउंट है पंजाब सेव सिटीज़ हमें आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप हमें पॉजिटिव दे, फीडबैक दें नेगेटिव फीडबैक दें हमारी असलाह करें हमारी करेक्शनस करें कोई नई चीज़ें आप हमें बताएं प्रोग्राम में जो हम शामिल कर सकें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में किस तरह से टेक्नोलॉजी अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि टेक्नोलॉजी कैसे किरदार अदा कर सकती है जिससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो माशरे के अंदर लोगों के अंदर तो इसके साथ साथ आप मुझे और ताहिरा को इजाजत दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह